बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 16 के अंदर है स्केलर एंड वेक्टर। बच्चे देखें, हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमने मुख्तलिफ देखी थी, मतलब बेस भी फिजिकल और मेजरेबल क्वांटिटीज। उसके बाद हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज कितनी टाइप्स हैं, बेस और डिराइव। अब बच्चे बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज के अलावा हम ये देखेंगे कि बेस के अंदर या डिराइव के अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर हैं और ऐसी कौन कौन सी हैं जो स्केलर्स हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज को आज हमने एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और वो स्केलर और वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हमारे जो स्केलर है वेक्टर है वो क्या होती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? द क्वांटिटीज डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की वजह से डिस्क्राइब की जाती हैं, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड? ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? What is magnitude? Magnitude का मतलब क्या होता है? तो magnitude का मतलब होता है मिकदार। Magnitude मतलब बच्चों क्या होता है? मिकदार। Quantity किसी चीज की जो मिकदार होती है, जो क्वांटिटी होती है, उसको हम बच्चे क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपके पास फॉर एग्जाम्पल है मैस, और मैस है जी 5 kg। मैस क्या है बच्चों? 5 kg। अब बच्चों जो 5 है, ये इसकी क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये मैस की क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है बच्चों, मिकदार है, कितनी मिकदार है उस मैस की। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा चीनी है, चीनी आप लेते हैं 10 kg शुगर है, तो 10 जो है वो उसकी क्या है? मैग्नीट्यूड है। और जो यानी कि न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड में आती है। ठीक है, दूसरे पार्ट में कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। यानी कि ऐसी जितनी क्वांटिटी जिनको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हो, उसके अलावा और कुछ भी ना हो। यानी कि एक मैग्नीट्यूड, आप कहते हो शुगर 5 kg है जी, आप देखो पूरा एक्सप्लेन होगा कि 5 kg चीनी है। आप और फर्दर हम डिटेल में नहीं जाते कि वो क्या है, वो किस डायरेक्शन में, यानी कि उसमें हम डायरेक्शन मैटर नहीं करते, जो मेन चीज है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास था मैग्नीट्यूड क्या, मिकदार, और ऐसी जितनी भी क्वांटिटी है जिनको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। वो क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटीज। जिस तरह है मैस, टाइम। ठीक है बच्चों, इस मुख्तलि बुक के अंदर डिस्कस उसने सारी की हुई, मैस, टाइम, लेंथ, स्पीड। ठीक है, स्पीड के बाद वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है बच्चों, इसमें एक और भी है इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। बुक में उसने ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप ध्यान में रखना
कि इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब उसे ये तो स्केलर क्वांटिटी था, अब कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर बच्चों वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी दैट आर डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्क्राइब by magnitude as well as direction, as well as direction। ऐसी जितनी भी बच्चों क्वांटिटीज हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। The quantity that are described by magnitude as well as direction। ऐसे आप देखिए ना बच्चों, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए थी, अब वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करती हैं, डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो सिमत किस सिमत में एक चीज जा रही है, जैसे बच्चों देखिए ना फोर्स है एग्जाम्पल में, अब फोर्स आपके पास अप पार्ट में फोर्स होती है, डाउन पार्ट फोर्स होती है, लेफ्ट साइड में भी होती है, ठीक है, राइट साइड में भी होती है, लेफ्ट साइड में भी होती है। तो आपके पास ये पॉजिटिव भी होती है, ये नेगेटिव भी होती है, यानी कि अगर आपके फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, इस चीज ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में नहीं जाती है तो वो इसके अपोजिट हो जाएगी, नेगेटिव में। तो देखो डायरेक्शन कितनी मैटर करती है, साइन चेंज हो गया है फोर्स का, यानी कि साइन चेंज हो गया है। अब आप देखते हैं आपके पास और मुख्तलिफ किस्म की फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये देखिए जो डाउनवर्ड फोर्स लागू होती है, डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, वो कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ आ रहा है। और जब जी पॉजिटिव होती है जी, ठीक है, लेकिन जो ही हम इसको उलट जाएंगे अपवर्ड, तो ये जी जो होगा जो पॉजिटिव का था ना, ऊपर जाके जी किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बच्चों एक्चुअली जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो डाउनवर्ड होती है, नेचुरली वो डाउनवर्ड अगर करती है, लेकिन जब आप उसके अपोजिट जाएंगे जाहिर है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो डायरेक्शन कितनी मैटर करती है, समझ आ रही बात बच्चों, कि इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो फोर्स कुछ और साइन होगा, इसमें लगाएंगे कुछ और साइन होगा, इसमें आपका डाउनवर्ड, तो ये सारी की सारी फोर्सेस के नाम चेंज होते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये एक इसकी फोर्स मैंने एग्जांपल लिया। तो ऐसी जितनी भी मिकदार हैं जिनको बताने के लिए डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो सारी की सारी क्या होती हैं, वेक्टर्स होती हैं। और बच्चों वेक्टर के अंदर एक फोर्स थी, उसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल है, जिस तरह डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट के दरमियान शॉर्ट फासला, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान शॉर्ट फासला, यानी कि इस रूम में जो वो कोना है, एक कोने में जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो डायरेक्ट उस कोने में चला जाऊं, या फिर इधर से इधर मूव करूं, फिर इधर मूव करूं उधर तक, ठीक है। तो देखिए जब मैंने डायरेक्ट मूव किया तो एक ही डायरेक्शन थी, लेकिन जब मैंने उस कोने से इस कोने में गया फिर उस कोने में गया तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती रही, तो वो आपके पास डिस्टेंस हो जाता है, वो कभी भी वेक्टर नहीं होता। जिसकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद बच्चों टॉर्क आ गया, टॉर्क की एग्जांपल आपके पास है, मोमेंटम की है, फोर्स की है, टॉर्क, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बच्चों आपके पास और वेलोसिटी भी है, वो भी जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर और सॉरी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। आप देखेंगे आगे जाकर पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन भी दो किस्म होते हैं, पॉजिटिव और
नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये था वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर्स को हमने डिस्क्राइब किया। अब बच्चों जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है कि वेक्टर को जेड कैसे किया जाता है। समझ आ रही बात? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे जाहिर किया जाता है। ठीक है, वेक्टर को कैसे जाहिर किया जाता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब जाहिर करना। ठीक है, कि वेक्टर को कैसे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या ये स्केलर क्वांटिटी है। आप बच्चे देखिए ना, सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वैसे एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक मैदान है, आप जब चलो मंडी मवेशी जो होती है उसके अंदर आप चले जाएं तो मुख्तलिफ जानवर आपको नजर आ रहे होते हैं। अब हर एक जानवर की अपनी एक शनाख्त है, हर एक जानवर की अपनी एक निशानी है जिससे आपको पता चलता है कि ये भैंस है, ये गाय है, यानी कि ये ऊंट है, ये बकरी है। यानी कि ये देखिए आप कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम ऐसा बना दिया है कि हर एक चीज़ को जहर तौर पर हमें नजर आ जाती है कि उसकी निशानी होती है कि ये जहर, ये कौन सी चीज़ है। इसी तरह फिजिक्स के अंदर भी ये है कि जो वेक्टर होता है और स्केलर होता है, दो जो क्वांटिटीज हैं इनमें डिफरेंस कैसे किया जा सकता है। तो वेक्टर बच्चों हमेशा जो होती है उसको बोर्ड लेटर से लिखा जाता है, बोर्ड लेटर मोटर लास। ठीक है, बोर्ड लेटर से लिखा जाता है मोटे अल्फाज से। ठीक है, समझ आ रहा है जैसे। ठीक है, ये हो गया मैंने फोर्स की एग्जांपल दी। ठीक है, तो बच्चों जो बुक के अंदर इस्तेमाल हो रहा है फिजिक्स की जितनी बुक्स है वो 9 से लेकर MSc तक PhD तक सारी ज्यादातर बुक्स के अंदर बोर्ड लेटर इस्तेमाल किए गए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोर्ड लेटर इस्तेमाल किए गए। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरी रिप्रेजेंटेशन है तो बोर्ड मोटा लफ्ज होगा जो वो वेक्टर होगा। दूसरी बात एरोहेड से, एरोहेड से शो किया जाता है, किस बच्चों शो किया जाता है एरोहेड से। जैसे कि ठीक हो गए बच्चों, या फिर अलाइन, एक लाइन से शो किया जाता है वो ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। समझ आ रही बात बच्चों? तो ये सारी की सारी आपके पास में है वेक्टर है, और देखिए ये भी हो सकता है। समझ आ रही बात? तो ये सारी की सारी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोर्ड लेटर से, जहां पे एरो हेड से, तो जहां पे एक लाइन से ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी, एरो हेड नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, जहां स्मॉल पार्ट ऊपर एरो हेड होगा। तो ये था बच्चों वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। आप देखिए ना, बहुत सी क्वांटिटीज अगर मैं लिख देता हूं, ये देखें, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ठीक हो गया बच्चों, टॉर्क। तो आप देखिए, तो ये भी वेक्टर है और ये भी क्या है, वेक्टर है, लेकिन ये दोनों क्या है, स्केलर है। ये दोनों बच्चों क्या है, वेक्टर है, और ये दोनों क्या है, स्केलर है। क्यों? ये मोटे वर्ड से लिखा गया था और इसके ऊपर एरो हेड था, तो ये वेक्टर है। तो देखिए इस तरह जितनी भी क्वांटिटी, आपको बहुत सी क्वांटिटी मिक्स करके मैं लिख दूं तो आप कैसे उसको दरमियान से ढूंढेंगे कि वेक्टर कौन सी और स्केलर कौन सी है। तो बच्चों जो इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दी है। अब बच्चों ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफिकली, ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक लाइन सेगमेंट विद एरो है, लाइन सेगमेंट
विद एरो हेड। ये बच्चों ये लाइन सेगमेंट विद एरो हेड, ये आपका एक किस्म का वेक्टर है, ठीक है, लाइन सेगमेंट विद एरो हेड। तो ग्राफिकली वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, द वेक्टर आर रिप्रेजेंट बाय ग्राफिकली विद लाइन सेगमेंट विद एरो हेड। क्या लाइन होगी उसके ऊपर एरो होगा, इस तरह का निशान जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा। तो बच्चों ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ हमारे पास नोटेशन थी, रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।